In today's segment, we are going to talk about binary operations. तो सबसे पहले binary operations में ये binary क्या है? Binary simply means two. Means binary operation वो operation है जिनको दो numbers के ऊपर लगाया गया है. For example, addition, subtraction, multiplication and division. These are our fundamental operations. ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस है और जब भी ये फंडामेंटल ऑपरेशंस लगते हैं तो दो नंबर्स में लगते हैं. अगर हमको ऐड भी करना है 4 + 3 + 7, फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड इन एडिंग 4 + 3 + 7, तो पहले एट वन टाइम वी आर गोइंग टू ऐड 4 + 3. एक टाइम में दो नंबर्स को ऐड करेंगे, एक टाइम में तीनों नंबर्स को ऐड नहीं करेंगे. 4 + 3 = 7, देन 7 + 7 इज 14. Similarly, multiplication, subtraction, and division, these fundamental operations are also binary operations. ये भी binary operations है. और यहां भी numbers की बात करो. तो right hand side I have written the definition and left hand side I have taken few examples whether these are binary operations or not. पहले definition की बात करते हैं. Definition कहती है कि binary operation it is written as star. इसको star एब्रीवेशन देते हैं कि स्टार है. और ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ना, इट इज लाइक अ फंक्शन. ये भी फंक्शन की तरह, जैसा फंक्शन वर्क करता है वैसे ये वर्क करता है. मतलब एक इनपुट दूसरी आउटपुट. अब ये बाइनरी ऑपरेशन कहां से कहां तक है? फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए. अब मतलब क्या है ए क्रॉस ए? क्या है ए क्रॉस ए? इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. करेंगे क्या? ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट कितने होते हैं? दो. दो एलिमेंट्स को डालेंगे, जो आउटपुट आएगी दैट आउटपुट शुड बिलोंग्स टू ए. मतलब ए क्रॉस ए के दो एलिमेंट्स की वैल्यूज डालनी है और जो आउटपुट आएगी दैट शुड बिलोंग टू ए. अगर ऐसा होता है इट विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन. ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, दो चीजों या दो नंबर्स के ऊपर लगाया गया ऑपरेशन. नाउ वी डिनोट द स्टार ए बी. मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया इसको लिखते हैं हम ए स्टार बी. दिस इज हाउ इट इज रिटन. इसको लिखने का तरीका ये है ए स्टार बी. अब जो प्लस ऑपरेशन है दो नंबर्स के बीच ए स्टार बी मीन्स ए प्लस बी. माइनस ऑपरेशन ए स्टार बी मतलब ए माइनस बी. और मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन ए स्टार बी मीन्स ए इंटू बी. ये स्टार मतलब क्या है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा है. When we are talking about multiplication, A star B means A into B. When we are talking about division, जब हम division की बात कर रहे हैं, A star B means A upon B. ये fundamental operations are also binary operations. और कहां से कहां तक ये हमने देखिए? Real number cross real number. यानी ordered pair का set क्या था? R cross R. And the output should belong to the real number. Obvious सी बात है. एड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, जब डिवाइड करें, द रिजल्ट ऑफ आर क्रॉस आर इज ऑलवेज रियल नंबर. जो हमको नंबर मिलता है वो रियल नंबर. चलिए एग्जांपल हमने लिया कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है. जेड स्टैंड्स फॉर, जेड की जो एब्रीवेशन है दीज आर इंटीजर्स. जेड की जो एब्रीवेशन हमने लिया दीज आर इंटीजर्स. एंड हियर वी हैव टेकन पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स जीरो के राइट साइड. अब पॉजिटिव इंटीजर जब हमने लिए हैं, एक सेट लिया है फ्रॉम जेड क्रॉस जेड से जेड की तरफ, यानी हमने जेड डालना है, इंटीजर डालना है, और हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है ए माइनस बी. तो लेट अस से या लेट अस प्रूव कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है. चलिए ए स्टार बी, आई एम टेकिंग ए एज 7, आई एम टेकिंग 7 * 9. एक एग्जांपल दे रहा हूं जी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है. 7 इज पॉजिटिव इंटीजर, 9 इज अगेन पॉजिटिव इंटीजर. तो 7 * 9 विल बी रिटन एज 7 - 9. यहां स्टार का मतलब क्या हुआ? सबट्रैक्ट. डिफाइन किया इसको, इट इज ए माइनस बी. ए और बी की वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना है. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, -2 एंड -2 डज नॉट बिलोंग टू जेड प्लस. पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर है. इट मीन्स दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन Z प्लस. लेकिन अगर रियल नंबर में इसको डिफाइन करेंगे इट इज डिफाइंड. क्यों? अगर रियल नंबर, ये नंबर रियल नंबर्स भी है, 7 - 9 - 2 इज अगेन रियल नंबर. चलिए दूसरे की बात करते हैं. R क्रॉस R से R, रियल नंबर वी आर टेकिंग, इनपुट शुड बी R क्रॉस R, आउटपुट शुड बी R.
मतलब इनपुट ऑर्डर पेयर होगा कोई जो रियल नंबर होंगे. इनफैक्ट ए एंड बी बोथ दीज ए बी बिलोंग्स टू आर. यहां पर भी बोथ दीज ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस. ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब हमारा ऑपरेशन फिर से ले लेते हैं. सेवन एंड स्टार फाइव. सेवन स्टार फाइव इज डिफाइंड एज ए बी स्क्वेयर. तो वैल्यू ऑफ ए हमने ली सेवन, बी के लिए फाइव, तो सेवन इंटू फाइव स्क्वेयर इट इज 175. इट अगेन बिलोंग्स टू आर. यानी जो इनपुट दी वो दैट बिलोंग्स टू आर एंड ऑल्सो द आउटपुट बिलोंग्स टू रियल नंबर. दिस इज समथिंग दैट आई हैव रिटन हियर कि दो इनपुट देंगे ऑर्डर्ड पेयर. इसकी इनपुट दी तो जो आउटपुट आएगी वो दैट शुड बिलोंग्स टू. अगर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर, होल नंबर की बात कर रहे हैं होल नंबर, इंटीजर्स की बात कर रहे तो इंटीजर्स नंबर इंटीजर्स, और दैट शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर सेट. चलिए थर्ड, क्यू इज रैशनल नंबर और ऑब्वियसली ए एंड बी बोथ शुड बिलोंग टू क्यू. दोनों किसमें होने चाहिए? रैशनल नंबर्स में होने चाहिए. ठीक है जी, रैशनल नंबर लेते हैं. रैशनल नंबर एक लेते हैं, चलिए 5/7 स्टार 3. रैशनल नंबर हमने लिया 5/7 इज रैशनल नंबर. 3 इज अगेन रैशनल नंबर. ए की वैल्यू 5/7, बी की वैल्यू 3. इट इज 5/7 इंटू 3 प्लस 1. इट इज 15/7 प्लस 1. द रिजल्ट इज 22/7 विच अगेन बिलोंग टू सॉरी रैशनल नंबर. एंड रैशनल नंबर इज क्यू. तो व्हेन इनपुट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इनपुट में ऑर्डर पेयर जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है. इनपुट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, आउटपुट शुड अगेन बिलोंग टू द रैशनल नंबर. मींस द सेट. यहां देखिए ऑपरेशन को कैसे डिफाइन किया है, स्टार को डिफाइन किया है. द इनपुट इज ऑर्डर्ड पेयर. ए क्रॉस ए का कोई एक ऑर्डर्ड पेयर इनपुट है तो आउटपुट शुड बिलोंग टू ए. ए सेट ए, जैसे यहां हमने रैशनल नंबर सेट लिया था ए, यहां रियल नंबर का सेट लिया था ए, यहां पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिया था ए. तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब दो नंबर्स के बीच जिस ऑपरेशन को हम लगाते हैं. लेट अस स्टडी सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज कि बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या है. सबसे पहली कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेट ए और सेट ए से दो एलिमेंट लिए हमने ए और बी. अगर यह रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देन अवर बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कम्यूटेटिव. कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा कि ए और बी सेट ए के अंदर से हमने लिए और ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. एग्जाम्पल दे देते हैं कि सेट ए इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. क्यों? हमने कहा कि ए स्टार बी जो बाइनरी ऑपरेशन है इट इज इक्वल टू ए प्लस बी. ये बाइनरी ऑपरेशन लिया. लेट अस टेक रियल नंबर्स. रियल नंबर्स लेते हैं. हमने रियल नंबर लिए, फॉर एग्जाम्पल एक लिया फाइव. फाइव स्टार सेवन की बात करते हैं कि फाइव स्टार सेवन इज फाइव प्लस सेवन इट इज इक्वल टू 12. अब देखते हैं ए स्टार बी ले लिया, अब बी स्टार ए लेना है. बी स्टार ए विल बी सेवन स्टार फाइव. तरीका यही अप्लाई होना है, इसमें तरीका सेम अप्लाई होना है. नाउ इन दिस केस दिस इज ए दिस इज बी. पहले टर्म ए बाद की टर्म बी. तो सेवन प्लस फाइव इट इज इक्वल टू 12. इट मीन्स ए स्टार बी इट इज इक्वल टू बी स्टार ए. देखिए ए की वैल्यू तो 5 है, बी की वैल्यू 7 है, लेकिन यहां क्या लिया? बी स्टार ए. यहां उल्टा लिया तो बी स्टार ए के लिए ऑपरेशन यही अप्लाई होना है. यानी पहले वाला पहले लिखना है, बाद वाला बाद में. तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है. ये बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू की बात हो रही है. यहां हम ये नहीं कह रहे कि इट बिलोंग टू रियल नंबर. नो, कि 12 बिलोंग टू रियल नंबर ऐसा नहीं कर रहे हैं. इक्वल होनी चाहिए. एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ए स्टार बी हमने डिफाइन किया इट इज इक्वल टू ए माइनस बी. दिस इज इंटरेस्टिंग. देख लेते हैं कि ए स्टार बी इट इज इक्वल टू ए माइनस बी. सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं. 5 स्टार 7 इज 5 माइनस 7 इट इज माइनस 2 एंड 7 स्टार 5 बी स्टार ए
फिर बी स्टार ए इज बी माइनस ए, ऑब्वियसली बात है बी स्टार ए इज बी माइनस ए, ए स्टार बी इज ए माइनस बी, बी स्टार ए इज बी माइनस ए, इट इज 7 माइनस 5 इट इज 2, यहां पर ए स्टार बी इट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी स्टार ए. दिस रिलेशन, दिस बाइनरी ऑपरेशन इट इज नॉट कम्यूटेटिव. तो पहली प्रॉपर्टी कि बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए एंड बी जो बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट से, और सेट क्या लिया हमने रियल नंबर, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, द बाइनरी ऑपरेशन विल बी कम्यूटेटिव. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एसोसिएटिविटी. हम बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव कब होगा. एसोसिएटिव का मतलब है ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी ए स्टार बी स्टार सी. मतलब इसको पहले सॉल्व करना है, यहां पर इसको पहले सॉल्व करना है, तब हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एसोसिएटिव. और इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज क्या है, ए बी एंड सी शुड बिलोंग टू द सेम सेट. एग्जाम्पल लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये ले लेते हैं, ठीक है जी. ए स्टार बी निकालते हैं, ए स्टार बी इज ए माइनस बी, लेट अस फाइंड आउट ए स्टार बी स्टार सी. ध्यान से देखना इसको, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ए स्टार बी की वैल्यू डालते हैं, ए स्टार बी की वैल्यू आ गई ए माइनस बी स्टार सी. गौर से देखना इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमने जो डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है ए स्टार बी, इसको मान लेते हैं डी, कि डी स्टार सी हो गया ये. ए माइनस बी को क्या मान लेते हैं डी, तो डी स्टार सी फॉर्मूला वही लगना, डी माइनस सी, बी ए स्टार बी इज ए माइनस बी, डी स्टार सी इज डी माइनस सी, डी स्टार सी विद बी डी माइनस सी, डी की वैल्यू डाल दो तो ए माइनस बी माइनस सी, इट मीन्स अवर ए स्टार बी स्टार सी इज ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है जी. अब हमको प्रूव करना है ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है जी. ए स्टार अंदर वाला पहले सॉल्व होना है, बी स्टार सी बी माइनस सी इट इज बी माइनस सी. अब इसको मान लो डी, तो ए स्टार डी क्या हुआ जी, ए स्टार डी विल बी ए माइनस डी, तो ए माइनस डी विल बी ए माइनस बी माइनस सी, ओपन द ब्रैकेट्स, तो ए स्टार बी स्टार सी इट इज इक्वल टू, सॉरी वी आर टेकिंग This is we have taken A star B star C. So A star B star C is A minus B plus C. Are these equal? These are not equal. So ye particular jo binary operation hai associative nahi hai, because A star B star C cannot be equal to A star B star C. To star mein confuse nahi hona hai. क्या चीज हमने की, जैसे ए स्टार बी इज ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहां डाल दिया, अब ए माइनस बी हमने इसको माना डी, तो डी स्टार सी फॉर्मूला वही अप्लाई होना है जो हमको दिया है, बाइनरी ऑपरेशन वही अप्लाई होना है, तो डी माइनस सी मीन्स ए प्लस बी माइनस सी, तो डी माइनस सी हो गया. तो सेम प्रोसेस ये, ए स्टार बी माइनस सी पहले लिख लिया, बी स्टार सी इज बी माइनस सी, बी स्टार सी बी माइनस सी, तो इट इज ए स्टार डी ए माइनस बी माइनस सी. और इस पर्टिकुलर केस में द बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब होता है वन यूनिट. अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किसी पर्टिकुलर सेट में, इफ वी आर टेकिंग ए बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट ले रहे जो ए के अंदर है, then identity, identity there should exist an identity E, जो भी किसके अंदर होनी चाहिए, A के अंदर. This is very important, कि ये बहुत जरूरी है कि identity मतलब one होना चाहिए, उसके उसके अंदर एक identity होनी चाहिए. और वो identity कैसी होनी चाहिए, जब उस number से identity को multiply करेंगे we should get the same number, हमको वही number वापस मिलना चाहिए. 7 से 1 को multiply करेंगे 7 मिलेगा, in case of numbers. तो existence of identity का मतलब, और ये एप्लीकेशन बड़ी जरूरी है, इनको लिखना बड़ा जरूरी है, कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, एक नंबर जो ए से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी जो ए के अंदर है, अगेन बिलोंग्स टू ए, सच दैट कैसे,
ए स्टार ई इंटू शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए, एसोसिएटिव तो होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू ए. अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, आइडेंटिटी का एग्जांपल लेते हैं कि वी आर टेकिंग सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स में लेट सेवन बिलोंग्स टू ए, सेवन बिलोंग्स टू रियल नंबर. सात रियल नंबर के अंदर है, जी बिल्कुल अंदर है. क्या देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू रियल नंबर? यस, एग्जिस्ट करता है, वन रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है. कि सच दैट, कैसे एग्जिस्ट करता है? कि सेवन इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू सेवन, इट इज इक्वल टू सेवन. यस, आइडेंटिटी है, इसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. आइडेंटिटी का मतलब वन या यूनिट जिसको हम कहते हैं. तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना, एंड दीज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट. जिस तरीके से लिखी है, इफ सेवन बिलोंग्स टू आर देन देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये सात रियल नंबर के अंदर है तो वन भी रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है. किस तरीके से? कि सेवन इंटू वन एंड वन इंटू सेवन, इट इज गिविंग द नंबर अगेन. ये हमको क्या दे रहा है? वही नंबर जो नंबर हमने लिया है. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. सेम प्रोसेस है, इनवर्स रेसिप्रोकल ले लो नंबर की. अगर हम नंबर की बात करते हैं कि उस केस में जो रिलेशन बनना चाहिए दैट शुड गिव एन आइडेंटिटी. इस केस में नंबर दिया, इस केस में क्या दिया? नंबर वापिस. इस केस में वापिस क्या देगा? आइडेंटिटी. कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए, कि एक दूसरा नंबर एग्जिस्ट करता है. कि फॉर सेवन बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन अपॉन सेवन बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट सेवन इंटू वन अपॉन सेवन और वन अपॉन सेवन इंटू सेवन इज गिविंग अस द ई आइडेंटिटी. वहां क्या था? नंबर दे रहा है, यहां क्या दे रहा है? वन दे रहा है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी दे रहा है. तो व्हाट वी डेफिनेशन क्या करिए? फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है जी, ए के अंदर है एक एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए. कैसे? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए व्हिच इज गिविंग अस द रिजल्ट आइडेंटिटी. जो हमको रिजल्ट क्या दे रहा है? आइडेंटिटी. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशंस. आई हैव टेकन अ बाइनरी ऑपरेशन हियर, एक बाइनरी ऑपरेशन लिया, मुझे बताना है. आई हैव टू राइट दिस बाइनरी ऑपरेशन, की बाइनरी ऑपरेशन है क्या. अगेन द बाइनरी ऑपरेशन इज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, एंड ए इज द सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, एंड द बाइनरी ऑपरेशन इज ए स्टार बी, इट इज मिनिमम ऑफ ए बी. यहां पर मैंने लिखा है ऑपरेशन टेबल. बाइनरी ऑपरेशन का जो टेबल है, लेकिन पहले इसको लिखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या. ठीक है, पहले वन स्टार वन की बात करते हैं. वन स्टार वन मतलब मिनिमम ऑफ ए बी, और वन और वन में मिनिमम, अगेन द रिजल्ट इज वन, नो वन इज मिनिमम. देन वन स्टार टू, ठीक है, जो एलिमेंट लेने हैं आपको ए से ही लेने. इनपुट इज ऑर्डर्ड पेयर वन वन, यहां पर भी वन टू इज इनपुट, और आउटपुट मिनिमम ऑफ ए बी. वन और टू में मिनिमम कौन सा है? वन. देन वन स्टार थ्री, मिनिमम कौन सा है? वन. वन स्टार फोर, मिनिमम कौन सा है? वन. वन स्टार फाइव, मिनिमम कौन सा है? वन. वन स्टार सिक्स ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं. क्यों? इट शुड बिलोंग टू ए क्रॉस ए. ए के अंदर होने चाहिए एलिमेंट, ए के अंदर होने चाहिए ए क्रॉस ए में, तो उसके बाद आएंगे, पहले ए के अंदर एलिमेंट होने चाहिए. सिमिलरली लेट अस टेक टू स्टार वन, इट इज अगेन वन मिनिमम. देन टू स्टार टू, इट इज टू, नो वन इज मिनिमम. टू स्टार टू इज टू. Then 2 star 3, which is minimum, again 2. 2 star 4, which is minimum, again 2. 2 star 5, which is minimum, again 2. अगर maximum होता same, क्या process होना था? 1 star 2 is 2, 1 star 3 is 3, 1 star 4 is 4. यानी हम input क्या दे रहे हैं? Input ordered pair दे रहे हैं. और output क्या रही है? Output is an element which belongs to the given set, जो किस set में है? Given set. चलिए operation table में इसी चीज को हमने लिखना है. मतलब 1 वन जब इनपुट दी, आउटपुट क्या है? वन स्टार वन इज वन, देन वन स्टार टू इज अगेन वन, वन स्टार थ्री आउटपुट इज वन, वन स्टार फोर अगेन आउटपुट इज वन, वन स्टार फाइव आउटपुट इज वन. क्यों? दोनों में छोटा कौन सा? ये चीज लिखी है हमने यहां लिखी. देन ये ऑपरेशन टेबल में कैसे लिखनी है? सेम प्रोसेस अगेन. टू स्टार वन, टू और वन में छोटा कौन सा है? टू और वन में छोटा है वन. टू स्टार टू, अगेन टू. टू स्टार थ्री, अगेन टू. 2 star 4, 2, 2 star 5, again 2. Minimum of 2. Then 3 star 1, 1. 3 star 2, 2. 3 star 3, 3. 3 star 4, 3. 3 star 5, 3. This is operation table. Chota kaun sa hai do mein? 4, 1 mein chota kaun sa hai? 1. 4 star 1 is 1.
4 star 2 is 2, 4 star 3 is 3, 4 star 4, 4 again, 4 star 5 is 4. Then 5 or 1 mein, 5 star 1, chota kaun sa 1, 5 star 2, 2, 5 star 3, 3, 5 star 4, 4, 5 star 5, it is. This is operation table. Ye hamara kaun sa table hai? Operation table. So this is how to write a binary operation. Let us take a few more examples. I have taken a set of rational numbers. और यहां पर हमको प्रूव करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव या दोनों है या नहीं है. तो पहले कम्यूटेटिव की बात करते हैं कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है. इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. लेट अस टेक एग्जांपल. एग्जांपल से इनको प्रूव करते हैं डायरेक्टली. आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ b equal to 2. 1 and 2 both are rational number. 1 upon 7, 2 upon 5 below, doesn't matter. जो भी value आपको लेनी है आप ले सकते हैं. Then a star b, 1 star 2. a star b, 1 square plus 2 square. The result is 1 plus 4, 5. Then 2 star 1, 2 square plus 1 square, 4 plus 1 is 5. Means a star b is equal to b star a. This particular binary operation is commutative. Associative prove करते हैं. और associative की हमारी property क्या कहती है? Associativity. हमारी property कहती है कि A star B star C should be equal to A star B star C. पहले इन दो को bracket में रखा, यानी ये चीज पहले solve करनी है. फिर right hand side में इन दो को bracket में रखा, यानी B और C को पहले solve करना. I will take A is equal to 1, B is equal to 2 and C equal to 3. Example से directly prove कर रहे हैं. ठीक है, पहले left hand side A star B निकालना. A star B is 1 star 2. Binary operation is 1 square plus 2 square. The result is 5. Let us find A star B star C. A star B को पहले prove किया है. A star B star C. A star B की value 5. स्टार सी की वैल्यू 3, 5 स्टार 3. तो 5 स्टार 3, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, द रिजल्ट इज 34. 25 प्लस 9, द रिजल्ट इज 34. देन नाउ राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. ए स्टार बी स्टार सी हमने प्रूव कर दिया. अब राइट हैंड साइड पहले बी स्टार सी निकालना है. तो बी स्टार सी इज 2 स्टार 3, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 2 square is 4 plus 9, it is equal to 13. Now we are interested in finding out A star B star C. Right hand side carry hamari hai. A star B star C. So value of A is 1, means 1, B star C is 13. 1 square plus 13 square. 1 plus 169, it is 170. Now this A star B star C is 34. जब left hand side solve की 34, right hand side solve की 170. Means A star B star C is not equal to A star B star C, not associative. ये जो binary operation है, ये binary operation associative नहीं है. Let us take one more example. I have taken another binary operation on set of natural numbers and we have to prove whether it is commutative, associative or both. ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि ये क्या ये binary operation है. बिल्कुल, क्योंकि एक टाइम में इनपुट हम दो नंबर्स को दे रहे हैं, आउटपुट सिंगल आएगी. दो इनपुट, ए और सी को इनपुट देके ए सी मिल रहा है, बी और डी को इनपुट देके बी प्लस डी मिल रहा है. लेट अस प्रूव इट्स कम्यूटेटिविटी फर्स्ट. तो कम्यूटेटिविटी के लिए वैल्यू लेते हैं. ए की वैल्यू 1, बी इज 2, सी इज 3 एंड डी इज 4. लेट अस प्रूव इट. मींस हमको प्रूव क्या करना है, ए बी स्टार सी डी शुड बी इक्वल टू सी डी स्टार ए बी. कम्यूटेटिव है तो ए बी स्टार सी डी लेते पहले. 1 2 स्टार 3 4 आउटपुट, दिस इज इनपुट. देन द आउटपुट विल बी ए ए प्लस सी 1 प्लस 3 4, b plus d 2 plus 4 it is 6. Then b star a
3 4 star 1 2 3 plus 1 4 4 plus 2 6 this is commutative ठीक है जी result commutative है let us talk about associativity एसोसिएटिविटी क्या कहती है एसोसिएटिविटी के लिए हमको दो नंबर्स और लेने पड़ेंगे वैसे हमको टोटल थ्री नंबर्स लेने होते हैं यहां सिक्स लेने पड़ेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर्स हम पेयर्स की बात करते हैं एसोसिएटिविटी के लिए व्हाट वी हैव टू प्रूव एक्चुअली लेट अस से ए बी स्टार सी डी हम दो और नंबर्स ले रहे हैं वी विल एक और पेयर ले रहे हैं मतलब ई एफ लेते हैं स्टार ई एफ It should be equal to AB star CD star EF. ये चीज हमको प्रूव करनी है. This is what we have to prove. So let us take examples. Example लेते हैं कि A की value 1, B की value 2, C की value 3, D की value 4, E की value 5 और F की value 6. ये example हमने लिया. These are the values that we have taken. ठीक है जी पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें प्रूव होगी तो ब्रैकेट के अंदर की चीजें ए स्टार ए बी स्टार ठीक है जी सी डी इट इज 3 4 पहले इसको ही सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं जी जो ब्रैकेट के अंदर है ठीक है जी 1 2 स्टार 3 4 इट इज इक्वल टू 1 A plus C, B plus D, 1 plus 3, it is 4, 6. अब हमको क्या करना है हमको करना है 1, 2 star, 3, 4 star. इसके साथ EF means 5, 6. ये वैल्यू कितनी है हमारी ये वैल्यू ऊपर आई 4, 6. This is 4, 6 star, 5, 6. 4, 6 star, 5, 6 is 4 plus 5, 9, 12. This is our left hand side. ये left hand side आ गया और right hand side प्रूव करते हैं Right hand side प्रूव करने के लिए पहले हमको ये चीज वेरीफाई करनी है This is left hand side, then right hand side. Right hand side प्रूव करने के लिए सी डी ठीक है ये सी और डी की वैल्यू रहते हैं इट इज सी डी इज 3 4 स्टार 5 6 पहले ये सॉल्व होना है 3 4 5 6 A, B, C, D, E, F की वैल्यूज डाल रहा हूं डायरेक्टली ठीक है इट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज 8, 6 प्लस 4 इज 10. अब हमको क्या प्रूव करना है ए बी स्टार मतलब वट इज ए बी 1 2 स्टार क्या सी डी स्टार ई एफ सी डी स्टार ई एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इज 8, 10. इट इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज 9, 10 प्लस 2 इज 12. This particular binary operation is associative. ये binary operation क्या है? Associative. So this is not only about binary operation, and this is all about our plus two class relation, function, and binary operations.